हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ, ज़बरदस्त हूँ। हो गई है दोस्तों आपके लिए खूबसूरत से वीडियो की शुरुआत हमारी योग नगरी ऋषिकेश के गंगा नदी के तट से, जो कि हमारे मुसाफिर कहते हैं कि ठीक नीचे वाला घाट है, वहाँ पे मैं अभी हूँ। अभी सुबह के करीब 8 बजे हैं, आज 31 तारीख है और कल 1 तारीख है, तो शायद आप ये वीडियो आगे पीछे देख रहे हो। तो कल रात को मैं अपना यूट्यूब स्टूडियो चेक कर रहा था, तो जो ये मई का महीना था इसमें मैंने अपने सिर्फ 4 ब्लॉग डाले हैं। बहुत गैप के बीच मैंने इस महीने ब्लॉग डाले हैं। फिर मुझे एहसास हुआ कि जो मेरा वीडियो बनाने का काम था वो मैंने छोड़ दिया है, और मैंने ये काम क्यों छोड़ा है मुझे पता भी नहीं है। धीरे धीरे जब मैं आया था तो मैं कंटिन्यू ब्लॉग बनाता था, फिर पता नहीं क्या आदत लग गई कि मैंने ब्लॉग बनाना ही छोड़ दिया। तो बहुत ज़्यादा मैंने इसके बारे में सोचा कि जब मैं गांव में था, जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था, तो मैं कितनी सारी मेहनत करता था चैनल के ऊपर। हर दिन मैं ब्लॉग बनाता था, एक अलग आस होती थी, एक अलग ऊर्जा होती थी ब्लॉग बनाने की। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना मैंने ये चैनल उतना नहीं मेहनत करा इस चैनल पे, यानी छोड़ ही दिया था मैंने वीडियो बनाना। और इस कमी को पूरा करने के लिए मैंने खुद को एक जिम्मेदारी दी है, मैं खुद को एक टास्क देने जा रहा हूँ, और उस टास्क की शुरुआत मैं इस ब्लॉग से कर रहा हूँ। इस महीने जो आने वाला महीना है 1 तारीख से 31 तारीख के बीच मैं 30 ब्लॉग लाने वाला हूँ। 30 ब्लॉग कंटिन्यू अपलोड करूँगा, हर दिन कुछ नया दिखाने की कोशिश करूँगा। ये शहर इतना फेमस है, यहाँ पे लोग योग करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, राफ्टिंग करने के लिए आते हैं, और बहुत जगह है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हर दिन एक नया ब्लॉग लाऊँ, कुछ नया चीज़ दिखाऊँ, कुछ नया आपके सामने पेश करूँ, जिसकी शुरुआत मैंने आज से कर दी है। और इस समय मुझे आप लोगों की मदद भी चाहिए। और जब होता है ना, आप बहुत समय के बाद ब्लॉग बनाते हो तो आपके पास शब्द ही नहीं रहते, आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो कि क्या बोलना है। बल्कि हमें पता होता है कि हम कैमरे से बात कर रहे हैं, हम उसे कट कर सकते हैं, दूसरा रिटेक ले सकते हैं, लेकिन मुझे आदत ही नहीं है इन चीज़ों की। जो बोलता हूँ फटाक से बोल देता हूँ, चाहे रियल लाइफ में हो चाहे रील लाइफ में हो, जो हूँ वो आपके सामने हूँ। और बहुत समय से लोग मुझे देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे लोग आगे जुड़ेंगे। तो मैं ऐसा ही हूँ स्टार्टिंग से। थोड़ा बहुत प्रोग्रेस मैंने बीच में करी थी जब मैंने शॉर्टकट वाली फिल्म बनाई थी, उस समय वो अपना ही कॉन्सेप्ट था। बाकी अब ब्लॉग ही बनाने हैं और कंटिन्यू ब्लॉग बनाने हैं, तो देखते हैं व्यू आए नहीं आए। वैसे मेरे वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बट नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना है। और बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें ही करना पड़ता है। शायद इसी का नाम स्ट्रगल होता है लाइफ में, कि मुझे अपने जो मेरा समय है जॉब का, 9 से 10:30 तक मुझे कैफ़े में रहना है, और इसी बीच मुझे अपने ब्लॉग के लिए भी समय लाना है, कुछ नया भी दिखाना है, चाहे वो मैं कैफ़े में दिखाऊँ या कैफ़े से बाहर दिखाऊँ। तो बहुत सारी जगह यहाँ पर घूमने को है। अब मैं कोशिश करूँगा कि मेरा व्लॉग सेम ना हो, हर दिन मैं कुछ अलग सा दिखाऊँ, अलग आपके सामने लाऊँ। और इन 30 दिनों तक, अगर मैंने 30 दिनों तक कंटिन्यू व्लॉग ला लिए, उसके बाद मैं फिर से 1 साल का चैलेंज अपने आप को देने वाला हूँ। हालांकि मेरे फ़ोन का चार्ज ना बिल्कुल भी नहीं चलता है, एक अच्छा फ़ोन मेरे पास नहीं है, बहुत सारे गैजेट मेरे पास नहीं है, माइक मेरे पास नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों को अलग रख के अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसी का नाम लाइफ है, हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसी का नाम लाइफ है। अब इस चीज़ को लेके नहीं रह सकते हैं कि हमारे पास माइक नहीं है तो व्लॉग नहीं बनाएंगे, मेरा फ़ोन का चार्ज नहीं चलता है तो व्लॉग नहीं बनाना है। तो यही टास्क है, यही मेरा टास्क खुद के लिए है कि मैं ये सब चीज़ों को अलग रख के अपना व्लॉग, अपना जो वीडियो बनाने का 30 दिनों का चैलेंज है, उसे पूरा कर सकूँ। आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो देखना, ज़रूर मुझे सलाह देना कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे वीडियो को देख के मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आप ये अपने वीडियो में ना दिखाएं या आप अपनी वीडियो में ये दिखाएं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मेरी हो जाएगी। फिलहाल अभी कैफ़े जाने का समय नहीं हुआ है, आज मैं जल्दी से उठ गया था क्योंकि कल रात को मैंने प्लान बना लिया था कि कल मुझे ये करना है तो करना ही है। और कल मैंने सोचा था कि मैं अपना अभी राफ्टिंग भी स्टार्ट हो गई है और पीछे से आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी, तो राफ्टिंग में गया था उस समय और ब्लॉग भी बनाया था। लेकिन ये जो महीना स्टार्ट हुआ था ना मई का, इस बीच मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, सिर्फ मेरे 4 ही ब्लॉग हैं। आज से मैं कोशिश करने वाला हूँ कि मेरे 30 के 30 ब्लॉग हर दिन आए, तो देखते हैं क्या क्या होता है। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे ये लग रहा है कि किस तरह से मैं सारा टाइम मैनेज करूँगा, और जो भी चीज़ें होंगी उन सब चीज़ों के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैं अपने 30 दिन के 30 व्लॉग बनाऊं। तो ज़रूर आप लोग कमेंट करना कि ये जो मैंने अपने आप को टास्क दिया है, ये टास्क कैसा है, और मुझे अपनी वीडियो में क्या क्या दिखाना चाहिए, आप लोग क्या क्या देखना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट कर।
अभी सुबह सुबह कैफ़े में आके जो भी मेरा सुबह का काम होता है, मेज वाइपिंग करने का और थोड़ा मेन्यू वगैरह वाइप करने का, वो सब मैंने पूरा कर दिया है। और मैं यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा हूँ जहाँ जब तक कस्टमर वगैरह नहीं आते हैं। बाकी अभी स्टाफ नाश्ता रेडी हो रहा है, थोड़ी देर में नाश्ता करेंगे। शाम के करीब 4 बजे हैं। 1 बजे के बाद से इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो रही है। अभी मौसम ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश का सीज़न आ गया होगा। वैसे बारिश के सीज़न में भी अब कम ही टाइम है, अगर बारिश ऐसे ही रही तो लगता है कि बारिश का सीज़न आ गया। अभी रेस्ट पे आया था और आज मैंने बहुत कम शूट करा क्योंकि मेरा जो इंट्रो का वीडियो था वही काफ़ी लंबा था, इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा है। पर कल और अभी जब मैं रेस्ट पे आया था तो मैं सोच भी रहा था कि कल से मैं क्या क्या शूट करूँगा, अभी इसके बारे में प्लान कर रहा था। कल तो घर मेरा ऑफ है तो देखता हूँ क्या होता है। अभी शाम के करीब 7 बजने वाले हैं और देखो आजकल दिन भी कितने बड़े बड़े हो गए हैं। 7 बजे के लिए कुछ दिनों पहले रात हो जाती थी और अभी सनसेट हुआ है जस्ट, और अभी बारिश भी रुक गई है, मौसम खुलने लगा है। और आजकल ऐसे हो रहा है, कभी दिन में बारिश हो रही है, कभी रात को बारिश हो रही है, जिस वजह से गर्मी भी कम है। चलो अच्छी बात है। अभी समय हो गया है कि मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूं, और आज का वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ मैंने आज की वीडियो में नहीं दिखाया। लेकिन जैसा कि मैंने आज वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अब मैं डेली ब्लॉग करने वाला हूं, तो कल से आपके लिए डेली ब्लॉग आने वाले हैं। आई होप आपको सारे ब्लॉग अच्छे लगेंगे। और आप लोग ज़रूर कमेंट करना दोस्तों कि आपको कैसे वीडियो चाहिए, क्या क्या आप मेरे वीडियो में देखना चाहते हो, किस तरह के वीडियो आपको पसंद हैं और मेरी वीडियो में क्या क्या कमी है, वो सब आप ज़रूर बताना। आपसे निवेदन है, आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर बताओगे। तो अभी कैफे में थोड़ा बहुत काम चला, देखते हैं क्या क्या होता है आगे, कर लेते हैं इस वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जुड़े रहिए और पुरानी वीडियो को भी ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।